Hello friends, welcome back. मेरा नाम है सौरभ एंड यू ऑल आर वॉचिंग मी ऑन पैनोप्टिक विड्स। सो इस शुक्रवार रिलीज हो चुकी है टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म मुन्ना माइकल। फिल्म के डायरेक्टर है सबीर खान, लीड रोल में टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड न्यू कमर निधि अग्रवाल। टाइगर मुन्ना के नवाज गैंगस्टर महेंद्र के और डॉली नाम की लड़की का कैरेक्टर कर रही है निधि अग्रवाल। फिल्म का जोनर है एक्शन ड्रामा। बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता ना हो कि सबीर खान जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर है शुरुआत से ही टाइगर श्रॉफ को लेकर फिल्में बना रहे, चाहे आप हीरोपंती देखिए, बागी देखिए या हम सब जिसकी बात कर रहे हैं मुन्ना माइकल। खैर ये तो हो गई एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब बात करते हैं फिल्म के प्लॉट की। सो फिल्म स्टार्ट होती है माइकल से और माइकल का रोल कर रहे हैं रोनित जो कि एक बैक स्टेज डांसर है, बट ड्यू टू एज फैक्टर उन्हें शो से निकाल दिया गया। एक दिन उन्हें कचरे के ढेर में एक बच्चा मिलता है जिसका नाम वो रखते हैं मुन्ना माइकल। मुन्ना माइकल माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन है और उन्हीं की तरह स्टार बनना चाहता है। और फिर कहानी में आता है ट्विस्ट। एंट्री होती है गैंगस्टर की, गैंगस्टर महेंद्र जो डॉली नाम की लड़की से प्यार करता है। डॉली किसी और से प्यार करती है लेकिन डॉली को डांस करना बहुत पसंद है, इसलिए वो डांस सीखने के लिए मुन्ना के पास जाता है और फिर स्टार्ट होते हैं क्लैशेस। वो जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस। तो टाइगर श्रॉफ शुरुआत से ही एक्शन वाली फिल्में कर रहे हैं, बट इस फिल्म में उनका अब तक का सबसे हाई वोल्टेज एक्शन देखने को मिला है और इवन अब तक का सबसे बेहतरीन डांस। इस फिल्म के जरिए वो माइकल जैक्सन को ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं। उन्होंने हर चीज के लिए बहुत मेहनत की है, इवन माइकल जैक्सन की स्टाइल्स की बारीकियों को सीखने के लिए वो न्यूयॉर्क भी गए। सो अल्टीमेटली मैं कहना ये चाहता हूँ जैसे जैसे वो फिल्में करते जा रहे हैं उनका परफॉर्मेंस और बेटर होता जा रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या परफॉर्मेंस दिया है हर फिल्म में, वो इतने डिफरेंट कैरेक्टर करते हैं लेकिन इस फिल्म में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किया और बहुत बेहतरीन ढंग से पेश किया है। एक बार फिर उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। निधि अग्रवाल इस फिल्म से डेब्यू कर रही है। इस फिल्म की हीरोइन है डॉली नाम की लड़की का कैरेक्टर जो कि बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करती है, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। एक डेब्यूटेंट होने के नाते उनसे जितना एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता था उससे बेहतरीन उन्होंने परफॉर्म कर दिया। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, फिल्म का कैमरा वर्क बहुत बढ़िया है। हालांकि फिल्म की स्टोरी को थोड़ा सा शार्प और किया जा सकता था, इंटरवल तक थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, फिल्म में कुछ ज़्यादा क्रिएटिवनेस नहीं है, बट इट्स ओके क्योंकि उन्होंने एक सिंपल सी स्टोरी को बहुत बेहतरीन ढंग से पेश करके दिखाया। फिल्म का म्यूजिक, फिल्म के सॉन्ग्स दिए तनिष्क बागची एंड नी ब्रदर्स ने, तो सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है, डिंग डन ट्रेंडिंग पर चल रहा है, मैं हूँ सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, बट सॉन्ग्स पर जो कोरियोग्राफी के लिए माइंड ब्लोइंग, बहुत बेहतरीन कोरियोग्राफी के। अब बात आती है कि फिल्म को टॉप मोस्ट न्यूज़पेपर न्यूज चैनल से क्रिटिक्स ने क्या रेटिंग्स दी। सो फिल्म को ऑन एन एवरेज सब ने मिलाकर 5 में से 2 स्टार दी। जो लोग टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं या नवाजुद्दीन साहब के एक्टिंग के फैंस हैं उनको ये फिल्म बहुत पसंद आई, या जो लोग एक्शन कॉमेडी ड्रामा मसाला फिल्में पसंद करते हैं उनको भी ये फिल्म बहुत पसंद। होप करता हूँ कि आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार मैं फिर हाजिर होऊंगा मुबारका के रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए शबा खैर, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, वीडियो देखना ना भूलें और पैनोप्टिक विड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।